Hello students, today we are going to read phrase. First we will see the definition. A phrase is a group of words that make sense but not a complete sense. A phrase does not have a verb of its own. It is usually a part of sentence. Phrase शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना कोई verb नहीं होता है या sentence का एक part होता है. इसको पढ़ने से आपको कुछ idea sentence के बारे में मिलता है, लेकिन सेंटेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है. आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसे. इन द वेस्ट, इन द कॉर्नर, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, अ बर्ड इन द नेस्ट, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. सारे एग्जांपल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं सेंटेंस के बारे में, लेकिन इनको पढ़ने से आपको पूरा सेंस क्लियर नहीं होगा. ये पूरी बात को क्लियर नहीं करेंगे या किसके बारे में बता रहे हैं. और सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें इन सभी एग्जांपल्स में, इनका अपना कोई वर्ब नहीं है और ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है. आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. प्रिया लिव्स इन अ बिग हाउस. इस सेंटेंस में इन अ बिग हाउस यह एक फ्रेज है. Is there water in the desert? इस सेंटेंस में in the desert फ्रेज है. Raman is hiding behind the tree. Behind the tree एक फ्रेज है. The bird fly in the sky. In the sky एक फ्रेज है. इस तरह से हम इन सभी सेंटेंसों में देखते हैं फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आपको कुछ आइडिया देता है, लेकिन पूरी सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं देता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.